बच्चों, यह कविता कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए है। कविता का नाम लहरों का गीत है। प्रस्तुत कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखी है। श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के अंतर्गत रोहता नामक गांव में हुआ था। वह उत्तर प्रदेश के शिक्षा सचिव थे। उन्होंने आगरा को अपना काव्य क्षेत्र बनाया। 29 अगस्त 1998 को माहेश्वरी जी पंचतत्व में विलीन हो गए। माहेश्वरी जी ने बाल काव्य कृतियों की भी रचना की, जैसे वीर तुम बढ़े चलो, हम सब सुमन एक उपवन के, सोने की कुल्हाड़ी, कातो और गाओ, सूरज सा चमकू में, बाल गीत यान, लहरों का गीत आदि इनकी बाल कृतियाँ थी। पाठ का उद्देश्य उत्साह को महत्व देना। लहरें हमें सदैव उत्साह से आगे बढ़ने का संदेश देती है। जीवन में सफल होने के लिए उत्साह बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार पाठ का दूसरा उद्देश्य हंसकर संघर्ष करने का संदेश देना। जीवन एक संघर्ष है एवं इसका सामना प्रत्येक व्यक्ति को करना होता है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। इसीलिए हमें हंसकर तथा विवेक के साथ मुसीबतों का सामना करना चाहिए। यही जीवन का सत्य है। पाठ का तीसरा उद्देश्य सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। जिस प्रकार नदियाँ सतत आगे बढ़ती रहती है, वह कभी पीछे नहीं आती, उसी प्रकार हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। इसी प्रकार पाठ का चौथा उद्देश्य सकारात्मक सोच की प्रेरणा देना। सकारात्मक सोच एक ऊर्जा प्रदान करती है, सफल होने का उत्साह प्रदान करती है। इसी प्रकार हमें सदैव अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम कविता की पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। पहले हम पंक्तियों को पढ़ेंगे। माँ ये लहरें भी गाती है, कल कल छल छल के मधुर स्वरों में अपने गीत सुनाती है। मैं देख रही थी अभी अभी, ये मुझे जैसी मचल रही, क्या जाने अब क्या मिला इन्हें, भर भर उमंग में उछल रही। तट से आकर हंस हंस कर अपनी बात कह जाती है, माँ ये लहरें भी गाती है। बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ है, इन पंक्तियों में बालिका अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि माँ ये लहरें कल कल और छल छल के मधुर स्वरों में अपने गीत सुनाती है। मैंने यह देखा, जिस प्रकार मैं मचलती हूँ, उसी तरह ये भी उमंग में भर भर कर उछल उछल कर हंस हंस कर अपनी बात कह रही है, तथा ये लहरें भी गा रही हैं। अगली पंक्तियाँ हैं, मैं कब से बुला रही इनको, पर मेरे पास नहीं आती, कुछ खेल खेलती इसीलिए तट से आकर फिर भग जाती। मैं चलूँ साथ खेलूँ इनके, देखो ये मुझे बुलाती है, माँ ये लहरें भी गाती हैं। इन पंक्तियों का अर्थ है, मैं तो इन्हें कब से बुला रही हूँ, परंतु ये लहरें किनारे तक आकर फिर से भाग जाती है, शायद मुझे बुला रही है, ये चाहती हैं कि मैं इनके साथ खेलूँ, माँ ये लहरें भी गीत गाकर मुझे बुला रही है। अगली पंक्तियाँ हैं, अपने संग खेल खिलाने ये शशि को उतार लाई नब से, हम एक लहर के साथ साथ शशि भी खेल रहा तब से, कैसे धीमे धीमे जल के झूले पर उसे झुलाती है, माँ ये लहरें भी गाती है। इन पंक्तियों का अर्थ है, अपने साथ खेल खेलने के लिए ये लहरें चाँद को नीचे उतार लाई है। चाँद की जो परछाई है जल में ऐसी लग रही है कि जैसे इनके साथ वह खेल रही है, और तब से चंद्रमा भी इन लहरों के साथ खेल रहा है। ऐसा लगता है कि लहरें उसे धीरे धीरे झूले में झुला रही है, माँ ये लहरें भी गीत गाती है। ये पंक्तियाँ हैं, रुकती न कभी ये क्षण भर भी, जीवन भर बहना सीखा है, भर भर उमंग सदा हृदय में आगे बढ़ना ही सीखा है, हंस हंस कर जीवन पथ पर बढ़ते जाओ यह कहती आती है, माँ ये लहरें भी गाती है।
इन पंक्तियों का अर्थ है, लहरें निरंतर चलायमान हैं, ये पल भर भी नहीं रुकती है, मानो इन्होंने बस बहना ही सीखा है, अपने मन में उमंग भरकर, उत्साह भरकर बस आगे बढ़ती जाती है। और ये हमें सिखाती है कि हमें भी सदैव सतत आगे बढ़ते रहना चाहिए। और माँ, ये लहरें भी हमें खुशी से जीवन पथ पर आगे बढ़ना सिखा रही है, हमें निरंतर बढ़ने का संदेश दे रही है। माँ ये लहरें भी गीत गाती है। बच्चों, इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन को उत्साह से जीना चाहिए, हमें प्रकृति से प्रेरणा लेना चाहिए। पेड़ पौधे, झरने, नदियाँ, हवा आदि अपने पूरे उत्साह से क्रमश से उगते, झरते तथा बहते हैं। हमें भी सदैव प्रसन्नता से रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद। अगली कक्षा में।